पैरामेडिकल छात्र फैज के परिजनों ने नागपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के साथ मिलकर IGGMC में आंदोलन किया है। मेयो अस्पताल IGGMC में मेयो प्रशासन होश में आओ और फैज की मौत का जिम्मेदार कौन है के लगे नारे। IGGMC मेयो अस्पताल का पैरामेडिकल के छात्र फैज मोहम्मद खान का 26 जुलाई 2024 की देर रात 11 बजे एक्सीडेंट हुआ, जिसमें फैज को गंभीर चोट आई। कुछ देर बाद एम्बुलेंस की मदद से फैज को IGGMC मेयो अस्पताल पहुंचाया गया। एम्बुलेंस के ड्राइवर ने बताया कि फैज ने कहा कि मैं मेयो IGGMC का छात्र हूँ, मुझे वही लेके चलो। लेकिन मेयो अस्पताल में CMO और डॉक्टर द्वारा फैज की जांच नहीं करते हुए उसे GMC भेज दिया गया। GMC पहुंचने से पहले ही एम्बुलेंस में फैज ने दम तोड़ दिया और उसकी मौत हो गई। अगर इसे मेयो अस्पताल में फैज को ऑक्सीजन या वेंटिलेटर मिल जाता तो शायद उसकी जान बच जाती। इसी विषय को लेकर कॉलेज के छात्रों के साथ और फैज के परिजनों के साथ मिलकर नागपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग द्वारा निषेध प्रदर्शन कर आंदोलन किया गया। आंदोलन में पैरामेडिकल IGGMC के छात्र और फैज के परिजन भी बड़ी संख्या में शामिल थे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज, नागपुर। ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर, जो नागपुर का पहला और एकमात्र NABH द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पताल है। देश के पहले 50 अस्पतालों में से NABH द्वारा पुनः प्रमाणित ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल है। गत 25 से अधिक सालों से मध्य भारत का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में यह अस्पताल प्रसिद्ध है। सभी कैशलेस इंश्योरेंस सेवाएं, साथ ही सभी प्रकार की कॉरपोरेट सेवाएं भी उपलब्ध है। इस अस्पताल में महाराष्ट्र शासन की महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत क्रिटिकल सर्जरी का मुफ्त इलाज भी किया जाता है। इसी प्रकार से हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक, ट्रॉमा, बर्न केसेस, कार्डियोलॉजी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज, न्यूरो सर्जरीज, पेडियाट्रिक सर्जरीज, यूरोलॉजी जैसे और भी क्रिटिकल केयर यूनिट है। इसके अलावा यह अस्पताल रेडियोलॉजी, एम्बुलेंस, फार्मेसी, आपातकालीन सेवाएं भी 24/7 प्रदान करता है।